हेलो, कैसे हो? वैसा ही बेकार, बेरोजगार और अब तो जख्मी भी। सफीर, थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। हिम्मत रखने के लिए उम्मीद का होना बहुत जरूरी होता है, और मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी से मैं क्या उम्मीद रखूं। क्यों ऐसी मायूसी जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत मायूस हो चुका। अच्छा, मेरी बात सुनो प्लीज। बट रिलैक्स, रेस्ट करो जरा। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? सफी, देखो तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? हानिया, अंकल का दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए जो प्रपोजल आया था, तुम उसको हाँ कर दो, उसके साथ सेटल हो जाओ। और जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते तुम वो करो। मेरा तो कुछ पता ही नहीं है, मैं यहाँ से कब बाहर जाऊँगा, कब ठीक होऊंगा और कब अपना सो कॉल्ड स्ट्रगल दोबारा से शुरू करूँ। हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रह पाओगी। बेहतर होगा कि तुम भी ये बात जल्दी जान लो। अच्छा, हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? हो गया तो मैं बोलूं? तुम्हें क्या लगता है सफी, यू आर द ओनली वन सफरिंग? यहां मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूं और तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं, जस्ट गिव अप। क्या जरूरत है लड़ने की? सब कुछ खत्म हो चुका है, यू नो, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। तुम बस उनकी बात सुनो, वो जो चाहते हैं तुम वो करो और आगे आने वाली जिंदगी में खुश रहो। सफीर, तुम हार मान सकते हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। हरियम, जब मुझे नींद आ रही है। और सुनो प्लीज, अब हॉस्पिटल मत आना, अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, जिस गो रहा है।